लाइए फोन मुझे दीजिए। करण बेटा, करण बेटा, मुझे लगता है तुम्हें कुछ हो गया है। तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। मैं माँ हूं तुम्हारी। मुझे लगता है तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है, या तुम किसी तांत्रिक की जाल में फंस गए हो। तुम कौन होते हो मेरे साथ कोटा की बात करने वाले? हाँ, क्या समझ रखा है तुमने? आई एम योर मदर, आई गिव बर्थ टू यू, मैंने तुम्हें बड़ा किया है। तुम कितने प्यारे थे, और अब तुम मुझे कोटा में सेट कर रहे हो। हाँ, ये सब है ना तुम्हारे पिताजी की इन्फ्लुएंस के बारे में है। सुना तुमने? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। बेटे, जब भी मैं फोन करती हूँ तब तुम कहते हो तुम्हारे पास कोई आया है। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। टालो मत। बेटे, आज एक प्रॉमिस करो मुझे प्लीज। हाँ, तुम ये संन्यास का पागलपन छोड़ दोगे? बेटे, यू नीड अ गर्लफ्रेंड। एक आम आदमी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, सेक्स। अब तुम बड़े हो गए हो। तुम चुप बैठो जी, तुम्हारे से बात नहीं कर रही हूं मैं, ये तुम्हारी उम्र नहीं है। बेटे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और नहीं तो मैं मिसेस बेदी की छोटी लड़की है, वो क्या है उसका नाम, हाँ पूनम, पूनम रेडी है। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो एक्साइटिंग। सुना तुमने, उसकी गर्लफ्रेंड है।